न्यूज लाइव राजस्थान पर देखिए खबर। राजधानी के हरमाड़ा से युवा नशे में धुत होकर एक से बढ़कर एक क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शहर के युवा नशे में धुत होकर एक से बढ़कर एक क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा चोरी, लूट, हत्या, सरीखी वारदातों को अभी अंजाम दे रहे हैं। नशे के सौदागर बेखौफ शहर के गली मोहल्लों में अपना जाल फैलाकर युवाओं को मादक पदार्थों की लत लगा रहे हैं। बढ़ते अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने शहर को ड्रग फ्री करने की मुहिम शुरू की है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए युवाओं को ड्रग सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। ये बात कही विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के रोड नंबर 17 पुलिस चौकी के पास रविवार को लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए डीसीपी पश्चिम कावेंद्र सिंह सागर ने। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने कहा कि शहर की पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के जरिए जिले में फैल रहे नशे को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। मादक पदार्थों के खिलाफ शुरू की गई जयपुर पुलिस की यह मुहिम रंग भी लाने लगी है, लेकिन नशे की लत में फंसे युवा अब भी जयपुर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। इस मौके पर चमू एसीपी फूलचंद मीणा, विश्वकर्मा थाना प्रभारी मांगीलाल विश्नोई, पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह द्वारा युवाओं को, बुजुर्गों, महिलाओं आदि लोगों को नशा मुक्ति अभियान के तहत किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया। तो आपके सहयोग के बिना, आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना, आप लोगों के जो हमें सूचनाएं देते हैं या आगे भी देंगे, उस सब के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो ये जो हमारा एक ऑपरेशन क्लीन स्वीप के नाम से जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का अभियान है जो हमारे नेतृत्व में चलाया जा रहा है, इसे हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। और दूसरा है जो दो दो अपराध एक साथ हो रहे हैं, तो बच्चों से गुटखा खरीद हो रहा है, दूसरा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है और खुद भी हो रहा है, बच्चों को भी गिर गिर यही सिखा रहा है। तो अपन लोगों को अवेयर होना ही पड़ेगा और अपने बच्चों पे वाच रखनी ही पड़ेगी। तो हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमें सूचना देंगे और हम इसी तरह